करवाया है। ओके तो आपको वही काम करना है, वही फॉर्मेट है। देखो जो मैं करवा रहा हूँ ना आपको, आपको अपने जैसे ही बहुत स्लो चल रहा है ठीक है, और आप करते जाओगे प्रैक्टिस तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी फिर ठीक है। अभी जैसे मैं स्लो स्लो आपको समझा रहा हूँ ठीक है, जैसे आप करते जाओगे तो आपके माइंड में सब कर लोगे आप। मैं तो लिखा के आपको समझा रहा हूँ समझाने के लिए, पर आप लोग कैसे करेंगे, आप लोग बिल्कुल फास्ट कर लेंगे। ये कैसे होगा फास्ट लवर्ड, ये फास्ट लवर्ड कैसे आएगा, मतलब आपके जीवन में फास्ट कैसे आएगा, प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, मैंने पहले वो बता रखा है। जितना प्रैक्टिस करोगे, जितनी कॉपियाँ भरोगे, उतने आपके हाथ तेज चलेंगे और आपका माइंड भी तेज चलेगा ठीक है। तो 6x² को आपको गुणा करना है 3 से, और यहाँ पर साइन भी यूज करना है आपको, साइन की तरह 3। ये सब काम आपको रफ में करना है, अप्लाइंग खींच दो पहले, और यहाँ पर रफ वाला पार्ट क्या है, रफ वाला पार्ट यहाँ पर आपका है ठीक है। आप 6x² को आपको गुणा करना है माइनस के 3 से, तो 6 18 यहाँ पर लिख देंगे और x² आपका एजिटिस यहाँ पर आ जाएगा ठीक है भैया। अब यहाँ पर क्या दरखा आपको 18 दरखा है, 18 कैसा है, अब जो भी आपका x² का गुणांक है उसका आपको लेना है एलसीएम, बोले तो फैक्टर करना है ठीक है। अगर आपको फैक्टर करने नहीं आता डायरेक्ट, तो आप एलसीएम लेकर देख लीजिए, सिंपल सी बात है, कोई नो चीटिंग बात ठीक है, सिंपल सा बिल्कुल फैक्टर कर लो, कोई दिक्कत नहीं, गुड एलसीएम कर लो ठीक है। एलसीएम तो आते होगा, 18 का करना आपको एलसीएम, लो करो एलसीएम जल्दी से, मैं फास्ट कर आपको आता ही है। 3 3 9 3 1 3 ठीक है भैया, 3 3 9 यहाँ पर हो गया और यहाँ पर 2 हो गया, यानी कि और आपको लाना कितना है माइनस का 7x आपको लाना है ओके। आपको प्लस माइनस करने के बाद आपको माइनस का 7x आना चाहिए, और गुणा करने के बाद आपका माइनस का 18x² आना चाहिए ठीक है। तो 18 का हमने फैक्टर कर दिया, किसमें किसमें, 9 और 2 में तोड़ दिया, 9 - 2 कितना होता है 7 होता है, तो सिंपल है ठीक है। और आपको कैसा लाना है यहाँ पर, माइनस का लाना है, यानी कि बड़े पर साइन कैसा होगा, माइनस का होगा, बोले तो 2 - 9 यहाँ पर लिखेंगे, 2 - 9 यहाँ पर लिखेंगे ठीक है। 2 - 9 छोटे कितना होगा आप यहाँ पर आपका माइनस का 7 यहाँ पर आपका आ जाएगा ओके। तो कुछ इस तरीके से आपको करना है, यानी कि 6x² माइनस का 9x हो गया, प्लस का 2x यहाँ पर लिख देंगे, चाहो 2x को इधर लिख दो, चाहो तो 9x को इधर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अदला बदली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई ठीक है, आंसर में चेंज नहीं आएगा, टेंशन मत लो, चाहे तो करके देख लो, कहीं बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा ना, करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, पहले वेरीफाई कर लो, क्या गुणा करने के बाद आपका माइनस 18x² आ रहा है, देख लेते हैं, माइनस का 9x गुणा में 2x यहाँ पर लिख देंगे, 9 तो नहीं 18, माइनस का माइनस यहाँ पर लिख देंगे, और x इंटू में x कितना हो गया, x² यहाँ पर हो गया, तो माइनस का 18x² यहाँ पर आपका आ चुका है ठीक है, माइनस का 18x² यहाँ पर आपका आ चुका है ओके। और प्लस माइनस करने पर कितना आ रहा है आपका, माइनस का 7x भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का प्लस का माइनस होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, पर जो बड़े पे निशान होता है वो छोटे पर भी आता है सोल्व करने के बाद भी, तो 9x में से 2x गया, कितना बचेगा 7x बचेगा भैया, और साइन कैसा आएगा, माइनस का ही आएगा, साइन कैसा आएगा, माइनस का ही आएगा ओके। जो भी जुड़ता है आपका कमेंट अभी देख पाऊंगा, थोड़ी देर रुका बस अभी रिप्लाई कर रहा हूँ ठीक है सभी के। तो आपको क्या करना है, दो दो का जोड़ा बनाना है, मतलब दो दो का जोड़ा आपको बनाना है इस तरीके से, आप इन दोनों में क्या चीज कॉमन आ रहा है उसे आपको बाहर निकाल लेना है, बोले तो 6x² और 9x में क्या चीज कॉमन आ रहा है, कॉमन मतलब कि तो दोनों में सेम हो, उभयनिष्ठ ओके। तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो 3 को बाहर निकाल लेते हैं ठीक है, निकाल लिया, इसमें आपका x है, यहाँ पे आपका x है, तो x को ही बाहर निकाल लो ठीक है, निकाल लिया, यहाँ पर कितना बच गया आपका 2 बच गया, और 1x भी बच गया ठीक है, यहाँ पर कितना बच गया आपका जल्दी कमेंट करो, 3 बच गया, 3 3 9 होता ना, 3 बच गया यहाँ पर आपका, और साइन यहाँ पर माइनस का आ जाएगा, 3 यहाँ पर लिख दिया हमने। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा भैया, कुछ कॉमन ना आए तो आपको 1 कॉमन ले लेना है, क्योंकि 1 तो सभी का फैक्टर होता है, 1 जो है आपका सभी का फैक्टर होता है, तो प्लस का 1 यहाँ पर आप कॉमन ले लेंगे, कितना बच गया आपका 2x माइनस का 3 बच गया, यहाँ पर और यहाँ पर आपका सेम होना चाहिए, ये आपका वेरिफिकेशन है ठीक है, सेम आ गया मतलब आपने सही करा है। अब आपको 2x माइनस का 3 बाहर निकाल लेना है ठीक है, निकाल लिया, यहाँ पर कितना बच गया 3x प्लस का 1 बच गया, अब इन्हें कर देना इक्वल टू 0, मतलब कि 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0 कर दो, और 3x प्लस में 1 को भी इक्वल टू 0 कर दो, और उसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा ठीक है। करो जल्दी से इसको फटाफट फास्ट, 2x इक्वल टू में 3, और x का मान कितना आ गया 3/2 आ गया ठीक है, और 3x प्लस में 1, 1 को उस तरह भेज दो, जैसे उस तरह भेजोगे इक्वल के साइन अपोजिट हो जाएगा, यानी कि इक्वल टू माइनस का 1 हो जाएगा, और x का मान आपका निकल कर आ चुका है माइनस का 1/3, उतार लो जल्दी तुरंत फास्ट ठीक है। काफ़ी सिंपल वे में मैंने आपको सिखा दिया है, कोई डाउट आपका यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अब आपको देता हूँ टाइम ठीक है, 30 सेकेंड, और 30 सेकेंड में आप लोग अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, और इतने में आप लोग उतार भी सकते हैं, और आपका यहाँ पर हो चुका है 4 क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखेंगे अगला 4th क्वेश्चन, पहला आप उतारिए जल्दी से इसको, और कोई भी डाउट आए तो जरूर पूछना ठीक है, फटाफट पूछना है ठीक है, और करना भी साथ में।